ये है धनबाद का बिरसा मुंडा पार्क। एक बार फिर से बदहाली के आंसू बहाने लगा है बिरसा मुंडा पार्क। धनबाद के लोगों को सुकून देने के लिए एवं सैलानियों को लुभाने के लिए इस पार्क का निर्माण जिला प्रशासन की तरफ से कराया गया था, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आज स्थिति यह है कि पार्क में लगे तमाम झूले अब खराब हो चले हैं। दर्शकों को अब यहाँ प्राकृतिक लुत्फ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी आस लगाए जो यहाँ आते हैं। इतना ही नहीं, बद इंतजामी की वजह से पेड़ पौधे और फूल भी मुरझाने लगे हैं। यही वजह है कि दिन ब दिन यहाँ घूमने फिरने के लिए आने वालों की संख्या घटती जा रही है और इससे सरकार के राजस्व का घाटा हो रहा है। एजेंसी है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अभी प्रॉब्लम है, पैसे फंड में नहीं है तो अभी काम नहीं होगा। तो पिछले महीने से लगभग पानी की यहाँ किल्लत चल रही है, जिसके लिए काफ़ी फूल सूख गए हैं और बिजली टाइम पर रहती नहीं है, इसलिए जो दिक्कतें हो रही है। कुछ झूले भी टूटे हुए हैं जिनका भी मरम्मत अभी तक नहीं करवाया गया। ये अगर सरकार के अंडर होती अभी तक इस पर काम हो चुका होता है। आउटसोर्सिंग कंपनी कोलफील्ड कॉन्ट्रैक्ट को इसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है, वह भी इसके रखरखाव के नियमों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। सिक्योरिटी के लिए रखे गए गार्डों को भी हटा दिया गया है, जिससे आवारा पशु खुले आम पार्क में चले जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जिला प्रशासन एक बार फिर से बिरसा मुंडा पार्क के प्राकृतिक सौंदर्य को लौटाने के लिए अपने स्तर से पहल करे, जिससे फिर एक बार सैलानी परिवार सहित बिरसा मुंडा पार्क घूमने आएंगे और आनंद उठाएंगे। धनबाद से न्यूज़ 11 के लिए बंटी की रिपोर्ट।